तख्ते लाहौर किसका होगा? हमजा शहबाज वजारत आला बचा पाएंगे या फिर परवेज इलाही वजीर आला बनेंगे? वजीर आला का इंतखाब आज शाम 4 बजे होगा। वजीर आला बनने के लिए चौधरी परवेज इलाही के पास नंबर पूरे हैं और लाहौर के माल रोड पर वाकया होटल में इस वक्त PTI और काफ लीग के 186 अरकान मौजूद हैं। राना सनाउल्ला का दावा है कि हमारे पास 180 अरकान हैं और 5-6 अरकान इधर उधर होने से सूरत हाल तब्दील हो सकती है। वजीर अला पंजाब के उम्मीदवार चौधरी परवेज इलाही का कहना है कि आसिफ अली जरदारी का मिशन नाकाम हो गया। कौन किसके साथ है आज 4 बजे पता चल जाएगा। इधर चौधरी मोहनिस इलाही ने पंजाब असम्बली पहुंचकर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारे नंबर पूरे हैं, नंबर कम नहीं बल्कि ज्यादा ही होंगे। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली सरदार दोस्त मजारी ने कहा है कि आज का दिन बड़ा अहम है। वजीर अला के इंतखाब से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर मनो अन अमल होगा। अपील है तमाम जमातों के अराकीन पूरे मन तरीके से वजीर अला के इंतखाब में हिस्सा लें। पंजाब असम्बली की 20 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात के नतायज का मामला इलेक्शन कमीशन ने PP7 की नशिस्त का भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ज़िमनी इंतखाब के दौरान मुस्तरद शुदा वोटों की दोबारा गिनती के बाद रिटर्निंग ऑफिसर ने PP7 के नतायज जारी कर दिए हैं। RO PP7 ने रात 2:30 बजे मुस्तरद वोटों की जांच पड़ताल मुकम्मल करके नतायज जारी किए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हुर्रियत रहनुमा यासिन मलिक पर भारतीय हुकूमत के मजालिम कश्मीरी की आवाज़ दबाने का मजमूम एजेंडा है। शहबाज शरीफ ने कहा कि इंसानी हकूक की तंजीम को भारतीय मजालिम और इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों का नोटिस लेना चाहिए।